जी अस्सलाम वालेकुम, BNN के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली बुखारी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PP 135 और 136 के उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार चौधरी कासिम रियाज गुजर और चौधरी दानिश अलियास गुजर। आइए इनसे जानते हैं कि वो अपने हलका को क्या पैगाम देना चाहते हैं और इस इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी आवाम वास्ते राजनीति करांगा, अपनी आवाम की खिदमत करांगा। मैं अपनी अपने हल्के बदमाशी नहीं होने देवगा। मेरा मरना जी अपनी आवाम के नाल होएगा और मैं दानिश इलेक्शन भरपूर तरीके लड़ांगा। मैं तुम्हारे फेस करांगा इलेक्शन इंशाल्लाह। और जो मुश्ताक से क्या इलेक्शन लड़ांगे जी, साढ़े बुजुर्ग मुश्ताक साहब ने अल्लाह जिंदगी रखे, असि श्रीमंद नहीं होने देवे। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम साबक MP है, पीपल्स पार्टी के साथ इनके रवाबत थे और पिछली मरतबा नून लीग के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लड़ा, हाजी मुश्ताक गुजर साहब। जी आई साहब, कैसी तबीयत है? मेहरबानी। किस नज़र से देखते हैं इस इलेक्शन को कि आप इस मरतबा, आपके एक भतीजा बल्कि दोनों ही बेटे आपके और आज़ाद हैसियत से खड़े हैं? जी मेरे दोनों भतीजे इसी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम आवाम खिदमत करेंगे, किसी पार्टी के मुताज नहीं है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कामयाब होंगे और कामयाब हो गए। इलाके में जो बद अमनी पाई जाती है इसे ख़त्म करेंगे, गुंडागर्दी चल रही है ख़त्म करेंगे, ये जो लूट मार मची हुई है यहाँ पे वही बाजार बार बार बनाए जा रहे हैं, उनको फिर गिराया जा रहा है, फिर ठेके दिए जा रहे हैं, फिर लूट मार की जा रही है, इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब, आप किस नज़र से देखते हैं हल्के को या आवाम को, नौजवान की आदत है, आप क्या देखते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंशाल्लाह जी, हम लोगों को ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये सब कुछ ख़त्म करना है, यहाँ पे अमन लेकर आना है। सबसे बड़ी चीज़ अमन है और अमन की यहाँ पे बहुत कमी है। इंशाल्लाह अमन लेकर आएंगे यहाँ पे और आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आपके मद्दे मुकाबिल 12 से 14 जो है मेम्बरान है सूबाई असम्बली के, वो भी आपके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, क्या आप कम्पीट कर पाएंगे उन सबको? इंशाल्लाह क्यों नहीं जी, इसमें कोई शक है इंशाल्लाह। थैंक यू।